Hi guys, welcome back to my Hi guys, this is यार मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. ओके रीस्टार्ट. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Hi guys, welcome back to my channel. और क्या वेलकम बैक, एक्चुअली बहुत लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा ब्लॉग बना रही हूँ. एंड ऑनेस्टली ये ब्लॉग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि दिस ब्लॉग इज गोना बी माय बर्थडे ब्लॉग. और मेरे साथ है ऑफ कोर्स, आपको पता ही होगा, हाय हाय बोल ले क्यूटी पाय. तो क्योंकि गाड़ी तो मुझे आती भी नहीं है चलाने, तो ऑफकोर्स ड्राइविंग सीट पे उसे ही होना है. और मैं जा रही हूँ मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मुंबई से कहीं बाहर, क्योंकि मैंने हर बार अपना बर्थडे मुंबई में सेलिब्रेट किया है. सो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करना है मुझे. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं मुंबई ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी हूँ, लाइक पवई से बाहर आ चुकी हूँ. तो मुंबई से बाहर आ चुके हैं, हाँ आ चुके हैं. एंड मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको बता दो क्या, थोड़ी देर में चलो फिर. मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको या टाइटल में तो पता चल ही जाएगा ना. तो मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रही हूँ नासिक सुला विनयार्ड्स. एंड रास्ते में मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी निकली हूँ, क्योंकि हमारा चेक इन टाइम एक्चुअली 2 बजे का है. 2 नहीं 3 बजे का, आई थिंक. कितने बजे का है? 2 बजे का चेक इन टाइम है. एंड 4 घंटे लगभग जाने में लगेंगे. तो रास्ते में, क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, और वहां पे मैंने लिटरली क्या कहते हैं, रास्ते में ना मैंने बहुत सारे ऐसे सूखे वाले जो वो होती है घास या पौधे, क्या कहते हैं, व्हाटएवर इट इज, तो वो देखा था. थोड़ी सी ऐसे रॉक्स वाले पूरे पहाड़ के ऐसे कटे हुए जो पोर्शन होते हैं ना, आप समझो मैं क्या कह रही हूँ वैसे. और मेरा बहुत मन था कि मैं वहां पे फोटो शूट करूँ, वीडियोस बनाऊं, बट तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी और यू नो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ क्या कैसे करना है. तो इस बार मैं फुल ऑन प्रिपरेशन से जा रही हूँ. एंड अभी मैं कार में मेकअप वगैरह करूंगी, ड्रेस चेंज करूंगी, और फिर जैसे ही वो लोकेशन आई वहां पे फोटो वीडियो सब आपको दिखाती हुई चलूंगी मैं क्या करने वाली हूँ. मैंने ना घर से ये डब्बे में स्वीट पोटैटोस पैक करके लेके आई हूँ, पूरा फोक वगैरह चम्मच वगैरह सब लेके आई हूँ. लेकिन मैंने चम्मच ना डिक्की वाले बैग में रख रखा है, और अब कोई ऑप्शन नहीं है. अब मैं स्वीट पोटैटो ऐसे ही अपनी चम्मच भूले नहीं है यार, चम्मच डिक्की में रखा हुआ है. कोई बात नहीं, पानी है हमारे पास, पानी से हाथ धोऊंगी वापस मैं. हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती. चलो गाइस गुड नाइट. मैं वैसे फिट हो जाती हूँ पूरी सीट पे, पता है. ये पीछे देखो, हमने पूरा पूरा फोटो शूट करने का इंतजाम कर रखा है. क्या कर रहे हो? अभी ड्रेस भी चेंज करूंगी. और यहाँ मेरा आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट.
किडिंग डिडिंग डिडिंग लेंस लगा लिया है मैंने और अब मैं बिल्कुल धमाकेदार फोटो शूट करने के लिए तैयार हो गई हूँ। लिपस्टिक और लगानी है और थोड़े से आईब्रो फिल करने हैं। डिडिंग डिडिंग ये आ चुके हैं हम इगतपुरी। दोनों तरफ ये लेक है और बीचों बीच रोड है। नाइस नया बनाया कैसे होगा इन्होंने? यार इतना प्यारा है ये, देखो पूरे इतने सारे पहाड़ दिख रहे हैं। एक बार दिखा, एक बार दिखा। ब्यूटिफुल प्लेस। ये इगतपुरी का डैम, डैम है क्या है? लेक है, लेक। भाई हम ना नासिक जा रहे थे और नासिक के रास्ते में इगतपुरी हमें दिखा, हमने बोला चलो अभी चेक इन में टाइम है, यहाँ मुड़ते हैं। ओ, यार मैंने फटाफट गाड़ी में ड्रेस चेंज किया है, वैसे मैं प्रिटी लग रही हूँ। चेंज करने के बाद मैंने फटाफट से फोटोज रील्स सब कुछ धन 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 छापे हैं और रियली 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्रिटी। ये तुमने ना बस मेरा मन रखने के लिए बोला है तो 10 रुपए वाली तारीफ की है। पूरा पूरा का पूरा इगतपुरी देख रहे हैं। कोई भी नहीं है आसपास। तो अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं सुलाविनियार्ड्स। 1 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है वाह ये भी करूँगी वो भी करूँगी, धाम 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 सब सब करना होता है मुझे। तो बस हो गया, यहाँ से फाइनली निकल गए। 3 बजे का चेक इन टाइम है और ठीक है आधे घंटे लेट है, पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे भी जाके ढेर सारी फोटोज ढेर सारी वीडियोस बनानी है मुझे। यार मेरे को लगता है जैसे ड्राइविंग आती है उसके लिए कितना मुश्किल टास्क है ना, बस ऐसे बैठे रहो चलाते रहो एंड मैं बेचारा इतने सारे सामान उठा रहा है, मुझे बहुत दया आ रही है उस पे। और यार आई एम सॉरी तुझे इतने सारे सामान उठाने पड़ते हैं। और है नहीं ये मैं उठा लूंगी। और मैं क्या उठा रही हूँ वो दिखाऊं? सिर्फ मेरा मेकअप वैनिटी। बड़ा हरामी हो बेटा। डिटॉक्स वाटर रखा हुआ है, सो आई एम गोना हैव लाइक वन एट लीस्ट। वाओ ओके, सो ये आई थिंक वाइन डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ पे, लाइक सुला की ऑल वैरायटीज। आई गेस आई हैव ट्राइड दिस वन। Can we skip to the good part? यार तू मेरी सारे वीडियोस खराब करता है, बिल्कुल भी ऐसे साथ नहीं देता। तो ये आ चुके हैं हम अपने ट्री हाउस में, आगे बढ़ते हुए ट्री हाउस की तरफ।
ये रहा प्यारा सा कोजी रूम मेरा। वाओ यार मेरे को मजा ही आ गया। वेट मैं दिखाऊंगा। एंड वाओ यार ये ना मेरा घर होना चाहिए। ये बालकनी में फुल चिल मारना है। चीयर्स करते हैं। तो थोड़ा सा छोटू सा लगा मुझे ये तो, मतलब ओके सिंपल सही है। दिस वॉशरूम एरिया तो यहाँ पे इन्होंने कुछ फ्रूट्स रखे हैं हमारे लिए। एंड दिस इज अ मिनी कॉफी कॉर्नर। और नीचे है छोटू सा बार। वेरी नाइस। तो ये है मेरा पहला कॉस्ट्यूम। नीचे से दिखाओ। दिस इज माय प्यारा कोजी सा गाउन। और मैं रेडी हो चुकी हूँ इसमें कुछ फोटोज और वीडियोस निकालने वाले, मतलब रील्स एंड ऑल, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट एक घंटा है हमारे सुला टूर के लिए। तो तब तक मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाया है, आज वो दिखाती हूँ। सो दिस इज आवर स्नैक्स। तो हम थोड़ा सा यू नो वाइन पियेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे एंड उसके बाद फिर सुला टूर के लिए जाना है। फिर उसके बाद आके मेरा बर्थडे पार्टी है। लाइफ के मजे। और मैं मंदिर जो नासिक से लगभग